गृहलदन व्लॉग्स में एक बार फिर खुश आमदीद दोस्तों। मेरे नारिन से सुमकुल के सफ़र का पहला हिस्सा हमने आपको मोल्दो आशु या मोल्दो पास तक पिछले वीडियो में टूर ऑफ ईस्टर्न किर्गिज़िस्तान के नाम से दिखाया है। अब हम आपको मोल्दो आशु से आगे सुनकुल झील की तरफ के सफ़र की खूबसूरती दिखाते हैं और साथ ही आपको ये बताते हैं कि आप बिश्किक से सुनकुल झील तक कैसे पहुंच सकते हैं। बिश्केक से नरीन जाने वाले रास्ते पर आप तीन रास्तों के ज़रिए सुमकुल पहुंच सकते हैं। उनमें पहला रास्ता सारी बुलक क्रॉस करने के बाद किंगसू के मुकाम से बाएं जानिब निकलता है, दूसरा रास्ता करा उनकुर्द से और तीसरा रास्ता नरीन से मगरिब की तरफ अख्तल गांवों से, और हम आए हैं इसी रास्ते से। बिश्केक से यहाँ पहुँचने के लिए 4 से 5 घंटे, कुशकोर से 2 से 3 घंटे और नरीन से भी तकरीबन 2 से 3 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। इन पहाड़ों से गुज़रते हुए रास्ते में हर जगह आपको मुकामी नोमैड्स या खानाबदोश लोगों के यूर्ट नज़र आते हैं। यहाँ हम ऐसे ही कुछ यूर्ट्स देखने के लिए रुके हुए हैं। इन आर्जी खेमों में रहने वालों के साथ खूबसूरत कुत्ते भी बकसरत नज़र आते हैं, लेकिन ये कुत्ते काफ़ी फ्रेंडली हैं। सुनकुल एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त ठहर ठहर कर चलता है और यहाँ के फ़ज़ा की खामोशी और खूबसूरती आपके ज़हनी परेशानियों और उलझनों को एक पुरसुकून सुरूर में बदल देती है। इस वक्त हमारे लेफ्ट साइड पे आप सुमकुल झील का नज़ारा कर रहे हैं और झील किनारे आपको जगह जगह सफ़ेद रंग के यूर्ट कैंप्स भी दिखाई दे रहे होंगे। हम बहुत जल्द झील किनारे पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 7:30 हो गए हैं और इस वक्त यहाँ जो एनवायरनमेंट बना है वो इस तरह का बना है और बहुत ही खूबसूरत है। हम अभी अपना टेंट इंस्टॉल करने के लिए नीचे उतर रहे हैं झील की तरफ। यूथ कैंप से यहाँ पे, तो हम भी इनके बराबर में कहीं अपना टेंट लगा देते हैं। सो वी आर हेयर, फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं झील साइड पे और ये पीछे आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े यूर्ट कैंप्स लगे हुए हैं और इस साइड पे भी उस साइड पे भी, लेकिन यहाँ इस वक्त जो सूरज के ग़ुरूब होने का मंज़र है ये देखने वाली है। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए।
जी दोस्तों, तो हमने अभी अपना कैंप जो है वो सेट कर दिया है और हम अपना बिस्तर वस्तर अपना सामान इसके अंदर लगा देंगे। और इस वक्त सूरज ग्रुप हो चुका है, शाम का जो मंज़र है लेक साइड पे इंतहाई खूबसूरत तरीके से अंधेरा आराम आराम से छा रहा है। और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो थोड़े से लोकल लोगों के यूर्ट्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पे माल मवेशी नज़र आते हैं और आसमान पे इस वक्त चांद विजिबल है बादलों के पीछे से। और हम इस यूथ कैंप के बराबर में अपना कैंप लगाने में कामयाब हो गए हैं। झील साइड पे टेंट लगाते लगाते ये रात के 8:30 बज चुके हैं। झील और इसके ऊपर आसमान में बिखरे हुए बादलों की वजह से एक सहर अंगेज मंज़र देखने को मिल गया है। आप भी इस मंज़र को एंजॉय कीजिए और हम कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। Because we keep the bread inside so that the mosquitoes will not finish. Hey, meat as well. Huh? Meat later or being? I will eat now. Okay. Yeah. What later? Yes. Oh, you put the oven, eh? Huh? Not the grill, eh? No, not grill. In water. In water. But I kept it. We have it. In the foil, so that. Yeah, that one. How is it? Still hot, eh? Great man, this is really good. Tea at the Songkol. Tea at Songkol. Wow. जी दोस्तों, ये हमारा एक तरह से टी ब्रेक भी है और साथ में ये हमारा डिनर भी हो गया, क्योंकि हम दोबारा ज़्यादा नहीं खाएंगे। रात को थोड़ा सा वॉक करेंगे, इस एनवायरनमेंट में आराम करेंगे। और क्योंकि हम अपने साथ गोश्त वगैरह पका के लाए हैं तो चाय के साथ ही गोश्त भी खा लेते हैं। तंदूर की रोटी हम साथ लेके आए हैं, खेरा वेरा हम साथ लेके आए हैं, फ्रूट साथ लेके आए हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट, सो डोंट वरी। जब आप ऐसे कैंपिंग पे जाते हैं तो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें अगर आप प्रॉपरली लेके जाते हैं तो फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। क्योंकि इस जगह में आप देख सकते हैं कि हमने अपने साथ गैस वैस कुछ भी नहीं लिया है और ना यहाँ लकड़ी अवेलेबल है, तो आप पकाने वकाने का तो इधर नहीं सीन बनेगा। आपके पास जो चीज़ें खाने पीने के लिए रेडी हैं वही चीज़ें आप खाओ और इन्जॉय करो। तो बाज़ जगहों के फिर जो है ऐसी जगह होती हैं जहाँ आप खाना वगैरह भी पका सकते हो, तो वहाँ बेशक आप खाना पकाएं और कुकिंग शुकिंग करें। और हो सकता है हम कल कुछ पकाएं भी, क्या पता। लेकिन हमारे साथ गर्म चाय हमने थर्मोस में लिया था और खाना रोटी वगैरह हमने साथ लिया था, तो इट्स रेडी। जी दोस्तों, तो शाम का खाना और चाय पीने के बाद हम जो है इस वक्त अपने टेंट के आसपास थोड़ा सा घूम रहे हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त है,
तो इस वजह से थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेने हम निकले हुए हैं। और करीब ही वाकया यूर्थ कैंप्स की हल्की फुल्की झलकियाँ भी आपको दिखा देते हैं। ये यूर्थ किर्गिज़ कल्चर की ज़बरदस्त अकासी भी करते हैं और इनके अंदर मेहमानों के आराम का भी भरपूर ख्याल रखा जाता है। ये अंदर से हीटेड होते हैं। तो ये तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं और हम जो है अपने टेंट में सोए हुए हैं सुंकुल लेक पे, और इस वक्त बारिश शुरू हो गई है। तो शाम को जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आसमान पे हल्के हल्के बादल आपस में जुड़ रहे थे, आके वो बिलाखिर रात 10:30 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई है। लेकिन बहुत प्यारा मौसम है और ठंडा है एकदम, लेकिन हम क्योंकि टेंट के अंदर और स्लीपिंग बैग में सोए हुए हैं तो टेम्परेचर का इतना कोई असर नहीं है, लेकिन बारिश इस वक्त जारी है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। ये रात के 12 बजे हैं और हम अब सोने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह के अहवाल के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।